बोल रहे क्या काम तेरे को अभी? अब मेरा लीजिए लीजिए इसे पे साइन करना था। अरे डार्लिंग तू प्यार से बोलेगा तो मैं जायदाद पे साइन करूंगा। ये हमने क्या कर दिया? हसीना के सिग्नेचर से कहीं चीता को हम पर शक ना हो जाए। वाह कैसे रे? एक नंबर। ये देख रहे हसीन दुलरुबा का एकदम डिट्टो साइन किया रे। कमाल के टैलेंटेड है मैं। ये सुन एक काम करते हैं अपन ना हसीन दिलरुबा के अकाउंट को ये साइन मार के साफ करते हैं और जितना पैसा मिलता है उससे जाते अपना हनीमून मनाने। पर मेरे को लगता नहीं कि हसीन दिलरुबा के अकाउंट में कुछ मिलेगा। झाड़ू ही मिलेगा। इतना ईमानदारी का झंडा लेके घूमती थी ना। छोड़ दो देखे तू तो पेपर। तेरी बहन का शादी है ना। जा जा मजे करके आ। मेरे साथ चलोगी? तू मेरे को तेरे गांव लेके जाएगा, अपने घर वालों से मिलाएगा, मेरे को बाइक को बनाएगा? नहीं नहीं भाई ऐसा इसलिए गांव थोड़ी लेकर जाना है। तो है कुछ काम है इसीलिए बोल रहे हैं कि एक जगह लेकर जाना चाहते तुमको। ऐसा बोलना है डेट पे लेके जाने का है। चलती है ना मैं। एक्सपायरी डेट आ गया है मेरा जो तुमको डेट पर लेकर जाएंगे। नहीं डेट नहीं। रोमांटिक पिचकर? पिचकर ना। तो क्या कॉफी? कल ही छोड़ दिए। कुछ पर्सनल काम है इसीलिए कह रहे हैं कि चलो ना हमारे। ए, सुन बस हो गया अभी तेरा दिमाग का भाजी पाव करने का नहीं। तेरे पास दो ही ऑप्शन है। अगर तेरे को मेरा मदद चाहिए तो या तो मेरा मांग भर या तो मेरा जेब भर। तो पहले बोलती ना कि जेब भरने का भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। कह दी थी पहले तुम हमको इलो, इलो, लो भर दिए जेब लो। अभी बोल क्या काम? चलो हमारा कुछ काम है पर्सनल। चलो हमारे साथ। हाँ चल। बाप रे ये भी मरा। चलो चलो लगाना हमको सच में तो बता रहे फिर देख लेना। और तुम भी हाँ देखेंगे क्या हमारी आंखें फोड़ देगी। आप देखने लायक जोड़ेंगे हमें। याद रखना बिल्ली मारो एक मारो सच में मारो सच में मारो मजा आएगा। मरता हूँ। एक्शन। अरे कहाँ चला रे? सरकारी गाड़ी है कार्बन वगैरह लग गया होगा देखते हैं तार उर में। ए मेरे को एक बात बता तू क्या खाली पीली मेरे को इधर सैर कराने के लिए लाया कि सच में कुछ काम है तेरे को मदद चाहिए? क्या हो क्या रहे? गाँव जा रहे हैं छोटी बहन का शादी है तो लड़की लोग का कपड़ा कभी खरीदे नहीं है। तो सोचे कि छोटी बहन के लिए शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे तो आप हमारा उसमें मदद कर दीजिएगा बार्गेनिंग वगैरह भी कर दीजिएगा। और कपड़ा खरीदने जा रहे थे इसीलिए आपको लेकर। आपका कपड़ा में पसंद बहुत अच्छा है ना जी। नशीब नोटिस तो किया तू उर्मिला का फैशन सेंस देखने के लिए अक्खा मुंबई आता है। चल चल चेक कर फटाफट। हाँ करिश्मा मैडम को पीट रहे लोग। किधर? उधर 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 उधर। करिश्मा सिंह पर हाथ उठाने की सोच भी कैसे सकता है कोई? पुष्पा जी यहाँ? ये तो इकबाल और बिल्लू है। यहाँ जरूर नाटक चल रहा है हमें टेस्ट करने का। बचाओ! ए सुन ये जो तुम्हारी मैडम है ना फालतू में सबको भौकाल दिखाती फिरती है कोई ना कोई तो पकड़ के पीटेगा ही ना।
बाप रे बाप, कितनी ज्यादा पत्थर दिल इंसान है आप। उधर अपनी करिश्मा मैडम पिटा रही हैं, मदद का पुकार कर रही है, चीख रही है, बुला रही है हम लोग को, और आता ही आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। फील हो रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है मेरे को, एक नंबर। क्या पकड़ पकड़ के धो रहे हैं इसको, हटेली को। ये तेरी हटेली ना मेरे दिमाग का बहुत भाजी पाव करती है। जब देखो तब चपड़ 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 कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। मेरा बदला ये लोग निकाल रहे, एक नंबर। ए सुन सुन, एक काम कर तू ना, ये ले गुंडे लोग को मेरी तरफ से 100 रुपए दे क्या, और उनको बोल मेरी तरफ से 2 कान के नीचे बजा के दे उसको। तब तक मैं चाय पी के आती है। चाय पी के आती है? उर्मिला जी ना मैडम पीट रही है। चीते, क्या हुआ? मतलब हमारा प्लान फ्लॉप हो गया? हाँ तो होना ही था, आपका प्लान जो था। मैडम सर का याददाश्त वापस लाने के लिए कोई और जुगाड़ सोचना होगा। वक्त आ गया है वो करने का जिसे करने के लिए हम उर्मिला बने थे। हसीना मलिक का नाम खराब करना है। हसीना मलिक की इमेज बुरी से बुरी, बदतर से बदतर बनानी है। अरे एसएचओ हसीना मैडम, आप लाइसेंस? लाइसेंस तो दिखा दूंगा मैडम, पर बात क्या है, हमने कोई ट्रैफिक रूल भी नहीं तोड़ा और आपने यहाँ पे हमें रोक दिया। कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है। लाइसेंस हुआ क्या है मैडम? सिग्नल तोड़ा है तुमने, जुर्माना लगेगा 5,000। निकालो अभी के अभी। सिग्नल तोड़ा है? नहीं मैडम, हम तो सीधे सीधे आ रहे थे, हमने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा। पुलिस ने कहा ना सिग्नल तोड़ा मतलब सिग्नल तोड़ा है। लेकिन ये तो सरासर गलत है ना। कितना नाम सुना था मैंने आपका, लेकिन आप भी वैसी ही निकली। कैसी? नहीं नहीं शर्मा मत, बोलो बोलो। खराब घूसखोर, रिश्वत लेने वाली एक खराब पुलिस ऑफिसर निकले हम। हाँ अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो? आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, निकालिए, वीडियो बनाइए हमारा, इंटरनेट पर डाल दीजिए, कंप्लेन कीजिए हमारे खिलाफ, एक्सपोज कीजिए हमें, पूरी दुनिया को बताइए कि हसीना मलिक कितनी बेईमान पुलिस ऑफिसर है। हाँ करूंगी, आप जैसी रिश्वतखोर पुलिस वाली को तो एक्सपोज होना ही चाहिए। अरे ज्योति ज्योति क्या कर रही हो, अंदर को ऐसे। हसीना मलिक है ये, पूरा शहर जानता है कि इनकी जैसी डेडिकेटेड ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है। ये तो मिसाल है पुलिस फोर्स के लिए। और तुम्हें लगता है जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही है, कोई बेईमान करप्ट ऑफिसर ऐसे बात कर सकता है? जरूर हमसे कोई गलती हुई ज्योति। मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितने भी सिग्नल तोड़े हैं उन सब का जुर्माना 5,000 होता होगा, इसलिए ये मांग रही है। आप सही कह रहे हैं, मैं भी वही सोच रही थी कि हसीना मलिक कैसे गलत हो सकती है। ये लीजिए 5,000 मैडम। और ना ही हमें इसकी रिसिप्ट चाहिए और ना ही कोई डिटेल, हमें आप पे पूरा यकीन है। आप जैसे ऑफिसर सड़क से हमारी हिफाजत के लिए खड़ी हैं। चलते हैं मैडम। कितना भरोसा, कितना यकीन है इन सबको हसीना मलिक पर। कैसे होगा हसीना मलिक का नाम खराब? कैसे हसीना मलिक को एक नकारा, रिश्वतखोर, करप्ट पुलिस ऑफिसर साबित कर पाएंगे हम? कैसे? वरना क्या फायदा हुआ उर्मिला बनने का? जी 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 बिल्ली। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ, किसका फोन था? वो आ रहे हैं। कौन? वो होते हैं ना साईं, साईं नहीं, वो दिमाग का होता है ना, वो चुरन अमाबाग अम्मा, वो होता ना उसके आगे ट्रेस्ट। दम दम झाक दम झाक, पहला पहला वट गया, पहला वट गया। तुमको ये खेलेंगे तुम्हारे साथ हम? हाँ अरे वो आ रहे हैं, वो आगे ट्रेस्ट नहीं लग जाता है, वो साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट, वो साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट। हाँ 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 वो आ रहे। हिंदी में बोल नहीं सकती थी, मनोचिकित्सक। खामखा इतना वक्त बर्बाद किया, पूरी बात तो बताइए। हाँ तो हमारे जानने वाले वो मनोचिकित्सक नहीं है, उन सबने मैडम सर के बारे में बात किया,
पता किया कि भाई इसका क्या है इलाज तो होगी, बात हो गई। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मैडम सर को छत में छवि का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। किसका? छत में छवि। मतलब बताओ, समझाओ। दिस इज अ स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ मैन एंड वुमन। पहली आती है तो दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है तो पहली चली जाती है। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब ने इलाज क्या बताया? सब्र, संयम और पेशेंस। उनको? हमको? हमको, हाँ। ये परिस्थिति वश आती है पुष्पा जी, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये खुद से आ जाती है और फिर अचानक खुद से गायब भी हो जाती है। तो ये तो मैडम सर खुद ही खुद को ठीक कर सकती है, हमें तो वेट करना होगा मैडम सर के आने का। अरे मगर और कितना इंतजार करेंगे? हमको नहीं पता। उनकी छत में छवि उनकी असली छवि की धज्जियां उड़ा देगी। मेरे खंभे की भी धज्जियां उड़ा देगी। अब तक तो 3 खंभे उड़ा दिए हैं। खंभों की पड़ी है। माँ मुझे अर्थ पेड़ के पास लेके चलो। क्यों? सास बहू मिलकर मेरी उंगलियां तोड़ दिया है। बड़ी तुमको इधर जाना है, उधर जाना है। उर्मिला ने तो कुछ किया नहीं ना? कहा जी हाँ ना। जी कहिए, क्या काम है हमें? हसीना मैडम से मिलना है, कंप्लेंट लिखवानी है। जी वो अभी उपलब्ध नहीं है, आप हमें बताइए आपकी क्या समस्या, आइए। मैडम मेरा नाम जगदीश पुरी है, मैं अकाउंटेंट हूं कंपनी में। ये मैडम, ये सर, ये हम सब कंपनी में काम करते हैं जी, जिसका नाम है। माँ चाय पी के आते हैं। बिल्ले करावात सैनिटरी वेयर्स। समस्या दिक्कत क्या है फिर इसमें? दिक्कत ये है मैडम कि बिना कोई कारण बताए हम सबको हमारी बॉस ने प्रमोट कर दिया है, कंपनी से निकाल दिया है साहब। ये बात है। वही कटौती की बीमारी अब यहाँ भी आ गई। सारी दुनिया का यही हाल है अंकल जी। मतलब सारी दुनिया में यही बजट कटौती की महामारी चल रही, वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी घाटा में चल रही हो, इसलिए उन्होंने जो है ऐसा डिसाइड किया हो। नहीं मैडम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बात है, जल्दी बताइए, पूरा साल नहीं है हमारे पास आपका ये बात सुनने के लिए। कंपनी के अकाउंटेंट हम है मैडम। वो बता दिया, नहीं तो उस हिसाब से कंपनी फायदे में जा रही है या नुकसान में ये तो हमें पता होगा ना मैडम। कंपनी मुनाफे में है। हाँ। आपको कंपनी से निकालने के बाद कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी हमारी जगह पर कम अनुभवहीन लोगों को कम पगार पे रखकर हम सबको मैडम हटा रही है। पर ये तो गलत है ना, कम काबिल लोगों को अगर नौकरी पे रखेंगी तो प्रोडक्ट भी तो जो है वो सफर करेगा, उसका क्वालिटी गिर जाएगा। क्वालिटी की बात कौन करता है मैडम, आज के टाइम में कंपनी बस पैसे बनाना चाहती है। नहीं मैडम, इसीलिए हम लोग यहाँ हसीना मैडम के पास आए थे कि बस वो हमारी नौकरी वापस हमें दिलवा दें, क्योंकि इस उम्र में हम कहाँ धक्के खाएंगे, बस यही कहना था। थैंक यू मैडम। ठीक है, आप घबराइए मत, आपकी बात हसीना मैडम तक पहुंचा दी जाएगी। आपके मामले में कुछ बात करते हैं, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। हाँ ठीक है ठीक है, जाइए चलो। वो आपके पॉज में प्ले हो गए क्या? हाँ क्या कहा आपने? क्या कहेंगे मैडम सर से? मैडम सर है कहाँ, उनके अंदर तो उर्मिला घुसी हुई है ना। हाँ कह तो दिया इन सब से, तसल्ली दे दी आपने, मगर कैसे सुलझाएंगे ये समस्या? और कौन सुलझाएगा, हमें कोई कुछ करना होगा। अरे मैडम डिस्काउंट देने ही तो बोल रहे हैं, कौन सा ही दुकान हम अपने नाम करने बोल रहे हैं? बोला ना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेना है तो लो नहीं तो रास्ता नापो। हमसे ऐसे बात करेंगी? आपको पता है हम कौन है? कौन है? हम है चंपक, बुलबुल पांडे का नाम सुनी? जानकीपुरम थाने का SHO और हम है उसके साले, इसलिए कह रहे हैं डिस्काउंट दे दीजिए। अब तो यमराज का साला भी होता ना तब भी एक पैसा डिस्काउंट नहीं देती,
लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। सुनिए, अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो 2 मिनट लगेगा ये दुकान बंद कराने में, सिर्फ 2 मिनट। अबे जा, एंटी करप्शन वालों को फोन करूंगी ना तो 2 मिनट में तेरी वर्दी उतर जाएगी, समझा क्या? चल निकल। ठीक है, चलते हैं, पर देख लेंगे आपको। देख लेना। देख लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेना। ये बात अब होगी हसीना मलिक की इमेज खराब। ये पर्स मस्त है, मैं लेके जा रही हूँ। जरूर लेकर जाइए मैडम। मैं पैसे नहीं दूंगी इसके, ऐसे ही लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, मैंने आपसे पैसे मांगे भी नहीं। आप शौक से लेकर जाइए जो आपको चाहिए। आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नाम तो खराब कर रहा है हसीना मलिक का, वरना कंप्लेन कैसे होगी हमारे अगेंस्ट? फिर से कोशिश करते हैं। फिर ठीक है, एक काम करो, सारे के सारे पर्स निकाल के यहाँ सामने रखो, हम सब के सब लेके जाएंगे। ये दुकान आपकी है मैम, आपको जो चाहिए आप ले जाइए मैडम। एक काम करो, तुम्हारे गले में जितने पैसे वो भी निकाल कर दो हमें। जरूर, ये लीजिए चाबी। अरे हमने तुमसे तुम्हारी पूरी दुकान ले ली, हम किसी चीज के पैसे नहीं दे रहे हैं, हम अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और तुम हमारी कंप्लेन करने की बजाय सब कुछ खुशी खुशी दे रही हो, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है मैडम। क्या? आपने शायद दुकान का नाम नहीं पढ़ा। ये मैडम सर क्यों लिखा है दुकान पे? 3 साल पहले अचानक इस दुकान में आग लगने के बाद और उस आग में अपने पति को खोने के बाद मेरे लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची। खुद को खत्म करूं और सारे दुखों से पीछा छुड़ा लूं, ऐसा सोच रही थी मैडम, मगर फिर आपको मुश्किलों का सामना करते हुए देखा मैंने, बहुत हिम्मत मिली मुझे फिर से जीने की। दुकान क्या चीज है मैडम, आप जान भी मांग लेती ना तो 1 सेकंड नहीं लगाती। ये हसीना मैडम करना क्या चाह रही थी? खबर जरूर बुलबुल पांडे तक पहुंचाना होगा। Enough, I am done with it. आपको पता आप किनका बात कर रही हैं? उन लोगों के बारे में जो लोग आपके साथ कितने सालों से काम करते आए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया आपकी कंपनी को। अगर आप ऐसे रातों रात उनको कंपनी से निकाल देंगे तो उनके बारे में थोड़ा तो सोचिए, कहां जाएंगे वो लोग? और नहीं तो क्या? अरे इतने सालों में एक जगह पे रखे हुए पत्थर के साथ भी लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये लोग तो फिर भी इंसान हैं जिन्हें आप नौकरी से निकाल रही हैं। कुछ तो सोचिए उनके बारे में जिन लोगों ने आपकी कंपनी के लिए इतने सालों में इतना कुछ किया। Excuse me, अगर इतने साल उन्होंने काम किया है तो इसके लिए उन्हें सैलरी मिली है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, हर कोई अपने बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और अगर मैंने ऐसा सोचा तो कौन सा क्राइम कर दिया भाई? और मैं कोई पहली ओनर नहीं हूँ किसी कंपनी की जो इस तरह के इनिशिएटिव ले रही हूँ। सारी दुनिया में यही हो रहा है, किस किस को रोकेंगी आप? माफ कीजिएगा, बिजनेस इमोशनल होकर नहीं किए जाते। आई एम सॉरी बट आई एम कंसर्न्ड विद माय कंपनीज प्रॉफिट, नॉट पीपल। अरे भाई, आई कंप्लीटली अग्री विद यू, 100% सच बोल रही है। अरे अभी कंपनी होएगा तो एम्प्लॉय होएगा ना, नहीं तो खाली पीली इमोशन का अचार डालने का। मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम आपसे सहमत हैं। होता है बिजनेस में जब बजट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तो उसका संतुलन बनाकर रखने के लिए थोड़ा ये सब करना पड़ता है। इट हैपेंस, नथिंग पर्सनल। आप हसीना मलिक, SSO? SHO। वेरी गुड, यानी इन सब की बॉस। बराबर, इन सब की बॉस। और एक बॉस ही अच्छी तरह से जान सकता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। बराबर, बिल्कुल। तो आप समझाइए अपनी इन जूनियर्स को जो बेकार में मुझे यहाँ बुलाकर एक नॉनसेंस टॉपिक पर डिस्कस कर रही हैं और अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, सॉरी डिस्टर्ब, थैंक यू कमिंग, बाय बाय।
थैंक यू। ये देखा देखा क्या एक नंबर इंग्लिश चिपकाई मैं उसको, क्या बोलती पब्लिक? क्या कहा तुमने? बॉस हो तुम हमारी? बॉस का मतलब भी समझती हो? बॉस होता है टीम लीडर, और जो टीम लीडर होता है ना वो अपनी पूरी टीम को फैमिली मानता है। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है, परिवार का सदस्य मानता है हर किसी को। हसीना मैडम है हमारी टीम लीडर, जो वक्त आने पे अपनी टीम के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकती है। आई बड़ी टीम लीडर की बातें कर रही हो, बकैती मत किया करो हमारे सामने। हम हैं आपकी बॉस करिश्मा सिंह, हम ही हैं मैडम सर, और आप सब हमारा परिवार। उर्मिला का मुखौटा पहन लेंगे, लेकिन आप में से किसी पर भी आंच नहीं आने देंगे। जैसा कि आप जानती हो, पूरी दुनिया में बजट कंट्रोल अभियान चल रहा है, जिसके चलते आलसी, कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों की छटनी हो रही है। इस बजट कंट्रोल अभियान के तहत हर थाने और हर पुलिस कार्यालय से एक एक पुलिसकर्मी को हटाने का आदेश पारित किया गया है। अब यहाँ आपके मतलब की बात यह है कि ये काम थाने के प्रमुख का होगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर हमारी टीम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे निकाला जा सके, सब बहुत ही ईमानदार हैं। हसीना मलिक जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सरकारी आदेश है जिसका पालन हमें करना ही होगा, आपको एक नाम देना ही होगा। अच्छा ठीक है, हम अपना नाम दे देते हैं, आप हमें पोस्ट से निकाल दीजिए। कैसी बात कर रही है मिस मलिक? अरे ये छटनी अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आधार पर हो रही है, और आपकी योग्यता और ईमानदारी पर तो आपके शत्रु भी संदेह नहीं कर सकते। सर ठीक इसी तरह हमारी पूरी टीम की योग्यता और ईमानदारी पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं है सर, उनमें से कोई भी ये नहीं है जिसे बस निकाल दिया जाए। सर वैसे ही संतोष शर्मा के जाने के बाद हमारे थाने में एक पोस्ट खाली है, और ऐसे में आप ये सब मलिक, संतोष शर्मा एक साइबर एक्सपर्ट थी, उनकी खाली जगह लेने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। देखिए हसीना मलिक, आपको कोई एक नाम तो देना ही होगा जिसे पुलिस फोर्स से हमेशा के लिए निकाला जा सके। आपके पास तीन विकल्प हैं, पुष्पा सिंह, करिश्मा सिंह या फिर चीता चतुर्वेदी। हम अपनी टीम को किसी भी हालत में बचा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें करप्शन का इल्जाम ही क्यों ना लेना पड़े।